न्याय की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वालों की जीत हुई है। और जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आदरणीय राहुल गांधी जी खोलने निकले थे, उनकी जीत हुई है। आज हम ये कह सकते हैं कि पूरा देश जो कहीं ना कहीं जलने के कगार पे था और आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से लोकसभा में जाने से रोका गया था, और मणिपुर से लेकर के हरियाणा और बाद में झारखंड में भी और अन्य राज्यों में भी जलाने और जलने की तैयारी की जा रही थी, वैसे में ये बहुत राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है उससे हम ये कह सकते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गुड टेस्ट में नहीं थी, जो बयान दिया था राहुल गांधी ने, गुड टेस्ट नहीं थी, मतलब कहने का जो बयान था सही नहीं था। नहीं, देखिए न्यायालय ने क्या कहा है उस पर बहुत जब आप जाएंगे तो आपको ये भी लगेगा कि 2 साल का की सजा क्यों दी गई। तो न्यायालय के जो टिप्पणी है उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। हम लोग ये समझते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी की जो मंशा थी, मंशा को समझने की ज़रूरत है। मंशा ये थी कि नीरव मोदी चोर है, मेहुल चौकसी चोर है, ललित मोदी चोर है। वो आज भी हम कहते हैं कि वो चोर और भगोरा है। आदरणीय राहुल गांधी जी ये बोलने से कभी नहीं रुकेंगे, लगातार लड़ेंगे, सत्य की जीत हमेशा होती रहेगी। बीजेपी कह रही है कि फैसले से कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, 2024 पर फिर वो फतह करेंगे। अरे बीजेपी को जो असर पड़ा है वो तो दिखाई दे रहा है। अगर कोई बोल रहा हो तो इससे बड़ा निर्लज्ज कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने कोशिश की कि 24 घंटे के अंदर में आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म कर दी जाए, और उन्होंने करने का काम किया, 24 घंटे के अंदर बहाल करें पहले, उसके बाद कोई बयान दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। जिस तरह का प्रयास किया, जिस तरह से नीरव मोदी और ललित मोदी का रिश्तेदार पूर्णेश मोदी बना, तो ये ठीक नहीं है। कहीं का मोदी, कहीं का मोदी, सबका रिश्तेदार बनकर के, सब चोरों का रिश्तेदार बनकर के आगे आकर के न्यायालय में इस तरह उनको कटघरे में खड़ा कर रहे थे लोग, आज उस पर विराम लग गया। 2024 आसान लग रहा है? नहीं, देखिए 2024 की बात ही छोड़ दीजिए, देश की बात कीजिए। देश पूरा खतरे के दौर से गुजर रहा था। जब से आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता गई थी, लगातार इन लोगों का प्रयास था कि देश को जलाने का प्रयास था। आप देख रहे थे किस तरह से मणिपुर में घटना हुई, मणिपुर की घटना पर चुप्पी आप देख रहे थे, फिर हरियाणा में हुई, फिर जिस तरह से झारखंड में भी बयानबाजी चल रही है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो दर्शा रहा है कि झारखंड को भी जलाने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। इन सभी कोशिशों पे मैं समझता हूँ आज के बाद विराम लग जाए। प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री की चिंता छोड़ दीजिए, पहले जो प्रधानमंत्री बने हैं उनकी चिंता कीजिए, उनकी उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।